हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 8th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 7 हिस्ट्री का, जो मैंने दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, बाकी का जो है मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी उसके बाद क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया देयर वर प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर बिस्टोड टू हिम बाय द ब्रिटिश। मतलब वो जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, उससे पूरे देश को बोलते ना झंझोड़ के रख दिया था। और इसी का वजह ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब सब जगह प्रोटेस्ट होने लगा, सब जगह बगावतें होने लगी, लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश के तरफ से, मतलब एक हॉनर होता है, एक अवार्ड होता है जो दिया गया था। वो उन्होंने, वो भी इतने मतलब नाराज़ हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने वो सर का टाइटल जो है वो ब्रिटिश को वापस दे दिया। इंक्वायरी वॉज डिमांडेड बाई इंडियंस, हैंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन। और लोगों ने डिमांड किया इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा मैसेकर। मतलब वो बोलते हैं ना, आज भी उस इस जालियांवाला बाग के ऊपर तो बहुत सारे पिक्चर्स भी बने हैं जहाँ पे वो इंसिडेंट को दिखाया गया है, और आज भी हमारे रूह कांप जाते हैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं। मतलब कैसे जनरल डायर ने बिना किसी अल्टीमेटम दिए हुए लोगों पे फायरिंग का ऑर्डर किया और कितने लोग उसमें मारे गए। तो बोलते हैं ना, वो उसके वजह से लोगों में बहुत एक गुस्सा हुआ, बहुत बोलते हैं ना वो बहुत क्रोधित हो गए थे, सब बोलते हैं ना लोग ने हल्ला मचाया रास्ते पे आके। अभी उसके बाद आता है खिलाफत मोमेंट। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज देयर रिलीजियस लीडर। मतलब सब पूरा जगह, सऊदी हो, दुबई हो, इंडियन मुस्लिम्स भी हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हो, बांग्लादेशी मुस्लिम्स हो, मतलब वो टाइम पे तो इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं अलग हुआ था, एक ही था, लेकिन बाकी सब जो सऊदीस हैं, अरब कंट्रीज हैं, तो उन लोग के लिए जो वहाँ का जो रूलर था उनको वो लीडर मानते थे। टर्की जो है, जो वहाँ के जो लीडर जो थे उसको ये रिलीजियस लीडर, मतलब मुसलमानों का होता है ना फरिश्ता मानते थे वो, बाकी की जगह। अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए नहीं थे, वो इंडिया के ही पार्ट थे। टर्की हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। टर्की ने किसके खिलाफ लड़ाई किया था, ब्रिटिश के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में। टू गेट सपोर्ट ऑफ द इंडियन वार द ब्रिटिश एश्योर नॉट टू हार्म द खलीफा अम्पायर, बट आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस। मतलब ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन लोग ने क्या सोचा कि खलीफा अम्पायर को हम कुछ ये नहीं करेंगे, उनसे वादा किया था। लेकिन जैसे जैसे ख़त्म हो गया वर्ल्ड वार, उन लोग इंग्लैंड वाले अपने बातों के पक्के कुछ नहीं थे, वो तुरंत पलट गए। डिसकंटेंट अरोस अमंग द मुस्लिम्स, से मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो नाराज़ हो गए, और वो किससे सपोर्ट करने लगे, खलीफा को। इसलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब वहाँ से वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब देखा उन्होंने कि मुस्लिम्स ने देखा कि इंग्लैंड जो अपने वादे से मुखर गए, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का ऑर्गेनाइज किया। गांधी जी टॉट दैट इफ हिंदूज एंड मुस्लिम कम टुगेदर एंड स्टार्ट ए नेशनल मूवमेंट, दे कैन ब्रिंग गवर्नमेंट टू इट्स नीस। मतलब उनको घुटने पे ला सकते, ब्रिटिश को अगर घुटने पे लाना है तो हिंदूज और मुस्लिम्स को एकता बरतना होगा, मतलब उन लोग को यूनाइटेडली फाइट करना होगा उनके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तभी वो घुटने पे आ सकते हैं। गांधी जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, इसलिए गांधी जी ने भी किसको सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। हैंस ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विच शोज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वहाँ से एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बोलते हैं ना संगठन बन गया, एक यूनिटी हो गया। कहाँ से हो गया, खिलाफत मूवमेंट से। उसके बाद जो आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप कि आपको खिलाफत मूवमेंट्स पता चला रहेगा कि क्यों गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेडली होके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके, और उनका यूनिटी होना बहुत ज़रूरी था। सब मिलकर यूनाइटेडली लड़ेंगे तभी बोलते हैं ना हम ब्रिटिशर्स को उनके घुटनों में ला सकते थे, ये बात गांधी जी को एहसास हुआ, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। उसके बाद आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट। और ये ब्रिटिशर्स डिपेंडेंट
only on the cooperation of the Indians. If the Indians decided to non-cooperate, British government will collapse. मतलब ब्रिटिशर्स को ये बात का तो पता था कि हमें इंडिया में राज करना है तो हमें इंडियंस का सपोर्ट भी मिलना चाहिए. अगर इंडियंस ने सोचा, मतलब भारतीयों ने सोचा कि इन्हें किसी भी तरह से हम सहयोग नहीं देंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगी. इन 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट नागपुर विच वॉज पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास. अब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे मीटिंग हुआ, उसका नागपुर पे, और उसका कौन लीड किया था, चित्तरंजन दास. ऑल रेन्स वे गिवन इन द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी. ए प्रोग्राम वॉज फॉर्म टू बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोर्ट्स, फॉरिन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. मतलब सब पूरा जिम्मेदारी किसके हाथ में दिया था, महात्मा गांधी का. और वहाँ पे एक प्रोग्राम बना था जहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बॉयकॉट करो, मत जाओ ऑफिस में, कोर्ट में मत जाओ, जो भी बाहर से सामान आता है, मतलब कोई भी कपड़े हो, कुछ भी सामान आता है, उसको उसका बहिष्कार करना है. बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज को भी बहिष्कार करना है. प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एमिनेंट लॉयर. अभी प्रोग्रेस कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करने के लिए कहा था, गांधी जी ने सबको सल बताया था, सबको एक बोल देगा तो आदेश दिया था कि बॉयकॉट करो, कोर्ट्स मत जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में मत जाओ, कॉलेजेस और स्कूल को पूरी तरह बॉयकॉट करो. बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना. अब इसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, एमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग लॉयर थे, लॉयर मतलब वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बॉयकॉट किया, समझे, जो गवर्नमेंट अंडर, कोर्ट किसके अंडर पे था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया. मेनी नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर एस्टैब्लिश, बहुत सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो इंडियंस के हैं वो नई नई शुरुआत हुई. बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन आने वाला था उधर भी हम इंडियंस नहीं जाएंगे. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स विद डिक्रीज द इम्पोस्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, मतलब कपड़ों का, जो फॉरेन से आता था, इंग्लैंड से जो भी कपड़े आते थे उसको सब हमने क्या, हम क्या करते थे, इंडियंस आग लगा कर जला देते थे, मतलब बॉयकॉट किया, पूरी तरह से बहिष्कार किया. इलेक्शन को भी बहिष्कार किया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बहिष्कार किया. मोतीलाल नेहरू जो एक लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने भी कोर्ट से जाना बंद कर दिया. इन 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल. हड़ताल से उनका स्वागत किया गया, मतलब पूरी जगह हड़ताल था, और वो जहाँ आए थे वहाँ पे कुछ नहीं था, रोड पूरा खाली था, दुकानें सारे बंद थे. ये हमने प्रतिक्रिया, वो हमारा रिएक्शन था, इंडियंस के रिएक्शंस, मतलब इंडियंस की प्रतिक्रिया वो ऐसी थी कि हमने रोड्स पूरा, बोलेगा तो शाम जैसा कर्फ्यू कैसे लग जाता है तो कैसे होता है, वैसे सिचुएशन आया, मतलब उसको विजिट करना या उसको वेलकम करने के लिए कोई नहीं था. टू ब्रिंग दिस मूवमेंट अंडर कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स. तो इसके लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इस मूवमेंट को उनको समझा कि ये हमारे लिए तो बहुत खतरा है, तो इसको ये किस तरह से कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने बहुत ही, बोलते ना, कड़क रास्ता अपनाया, बहुत ही सप्रेसिव मेजर्स यूज़ करने लगा, मतलब बहुत ही कड़क रास्ते को अपनाया. इन फेब्रवरी 1922 पुलिस ओपन फायर ऑन ए पीसफुल प्रोसेशन, जो पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, पीसफुल प्रोसेशन मतलब शांतिपूर्वक जो मोर्चा निकली थी चौरी चौरी में इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, वहाँ पे उन्होंने फायर ही ओपन किया, मतलब लोगों को, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, चुपचाप वो लोग अपना प्रोसेशन लेके जा रहे थे, मतलब ये बोलते हैं ना, चुपचाप अपना एक जुलूस निकाला था बिना कोई ये किए, प्रोवोक नहीं किया था, तो भी ब्रिटिश पुलिस ने, जो पुलिस जो थे उन्होंने फायरिंग शुरुआत किया. द पीपल वेर एंग्री एंड सेट फायर, उसमें बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जख्मी हो गए, तो लोगों में इतना गुस्सा भर गया ना, क्योंकि कितने, कब तक कोई भी उनका जो अत्याचार है वो सहेगा, तो उन्होंने सीधा गया और पुलिस स्टेशन को ही जला दिया. उसमें एक ऑफिसर की मौत हो गई और 22 पुलिसमैन, यानी 22 पुलिसमैन वेर किल्ड. गांधी जी वॉज हर्ट बाय दिस इंसिडेंट. गांधी जी तो एकदम
बोले तो बहुत नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाने वाला इंसान था, तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही बंद कर दिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया फॉर विच ही वॉज सेंटेंस टू 6 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था मैगजीन में यंग इंडिया में, तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया और 6 साल का उनको सजा सुनाया गया, जेल में कैद किया गया। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ ये उसके बारे में बताया है। लेटर ऑन ग्राउंड इल हेल्थ गांधी जी वास मैंने उनको जेल में काफ़ी तकलीफ होने लगी, उनका सेहत बिगड़ने लगा, तब उनको रिलीज किया गया, मतलब उनको छोड़ दिया गया। गांधी जी टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाइक स्वदेशी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, यूज ऑफ खादी, नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा, ड्यू टू विच नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रेसिव इन रूरल एरियाज। मतलब गांधी जी को जो 6 साल का सज़ा सुनाया था उसके बाद उनका तबीयत बहुत मतलब डिटोरिएट होने लगा, मतलब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उनको रिलीज़ किया गया। लेकिन गांधी जी ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स मतलब स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको ही, मतलब जो हमारे देश में बनते हैं कपड़े वो उसको ही यूज़ करो, हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा यूनिटी रहना चाहिए जो आजकल बिल्कुल भी नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल को पूरी तरह से मतलब दारू शराब जो है वो है उसको बंद करना चाहिए, अनटचेबिलिटी बहुत होता था, उन्हें जो एकदम लोअर कास्ट है उनको छूते नहीं थे, उनके हाँ घर में जाते नहीं थे, पानी पीते नहीं थे, ना ही उनको अपने घर में आने देते थे। तो ये सब बहुत सारे कास्ट सिस्टम वो टाइम पे बहुत थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ है, बहुत हद तक कम हुआ है। तो ये सब रिमूव करने के पीछे वो थे। फिर खादी जो चरखा में बताया ना गांधी जी चरखा से जो खादी के कपड़े बनाते तो उसको यूज़ करने के लिए वो काफ़ी कहते थे। नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा ड्यू टू विच नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव इन रूरल एरियाज, मतलब काफ़ी हद तक बोलते हैं ना वो नेशनल मूवमेंट लोगों के बीच में फैला और उससे एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो ये लेसन में ये लेसन जो एक्सप्लेन किया यहीं पे रोक देती हूँ, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा लेसन है, इसका जो बाकी का पार्ट है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आपको जितना मैंने बताया वो अगर समझ में आया हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।